डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म्स, इस टॉपिक को कहां से पढ़ें? ये तो मेरा जोन है ही नहीं। मैं तो माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं तो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं। इस टॉपिक को पढ़ें तो पढ़ें कहां से? कोई एक सोर्स समझ नहीं आता, कोई एक क्लासिफिकेशन समझ नहीं आता। कितने सारे क्लासिफिकेशन हैं, कितने सारे अलग अलग किताबें हैं, किसे पढ़ा जाए, किसे ना पढ़ा जाए, सीएसआर नेट एग्जाम के हिसाब से जरूरी क्या है और क्या जरूरी नहीं है। अगर इस प्रकार के सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं तो आपको इस टॉपिक के पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन जो किताब है वो अब आप सभी के लिए आ चुकी है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 9 IFS द्वारा पब्लिश किए गए डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स वाली इस बुक के बारे में। इस किताब के अंदर वो सारी चीजें, वो सारा कंटेंट जो आपको कई अलग अलग जगहों पर मिलेगा एक जगह पर है। उसी के साथ वो सारे टॉपिक्स इसमें उसी प्रकार से दे रखे हैं जिस प्रकार से CSIR नेट एग्जाम में, सेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में और भी कई सारे लाइफ साइंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंडेक्स में सबसे पहला ही टॉपिक आपको मिलेगा प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन अ टैक्सोनॉमी। दूसरा टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है जिसके अंदर कंप्लीट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया और फंजाई, ये सारे क्लासिफिकेशन एक के बाद एक दे रखे हैं। अंतिम टॉपिक जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो भी दे रखा है। तो इस प्रकार से पूरी किताब में वो सारी जरूरी जानकारी जो प्रिसाइज वे में होनी चाहिए, एक्यूरेट तरीके से होनी चाहिए, जो एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी है, वो सारा कुछ दे रखा है। और ये किताब आपको बड़े ही आसानी से मिल सकती है Amazon, Flipkart और IFS की वेबसाइट पर।